पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। कभी ध्यान नहीं लग पाता था तो भी मैं बेचैन हो पाती थी कि आज ध्यान नहीं लगा, फिर मैं और दोबारा ध्यान करती थी और उसका आनंद महसूस करती थी। और फिर मेरे 20 साल से डिप्रेशन था, ध्यान के आने के बाद जो मैं ध्यान के आने के बाद पत्री सर मेरे को ध्यान में दिखाई दिए, साथ में एक वे मास्टर को भी लेकर आए और उन्होंने कहा कि इनकी एस्ट्रल सर्जरी करो। तो वो ध्यान में जो मास्टर थे उन्होंने मेरे माइंड के ऊपर कुछ किया जो मेरे मतलब मैं जब ध्यान से उठी तो मैं इसका मेरा जो डिप्रेशन था वो बिल्कुल क्लीन हो गया और जो मैं 20 साल से जो टेबलेट ले रही थी वो मेरी टेबलेट भी बंद हो गई। मैं हरियाणा से हूँ, मेरा नाम किरण है और हम पहले भी बचपन से मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ। गुरु आश्रम के पास ही बचपन से मैं रहती आई हूँ और रामायण भी रीडिंग की, मंदिर में भी आना जाना, सेवा भाव से हमेशा जुड़ी रही। फिर मेरी शादी हो गई, शादी के बाद मैं चली गई गांव के अंदर, फिर गुरु कृपा ऐसी हुई फिर गुरु आश्रम के पास मैं रहने लगी और फिर अध्यात्म के एक सेवा भाव से जुड़ गई। फिर बाद में ऐसे करते करते और यात्रा आगे बढ़ी, सेवा भाव करते करते, रामायण रीडिंग करते करते, फिर एक दिन यूट्यूब में मेरे पति को ये पत्री जी का यूट्यूब में वीडियो देखा तो उन्होंने 3-4 दिन इस वीडियो को देखते देखते उन्होंने हमें बताया कि पत्री जी का वीडियो देखा है तो आप ध्यान में, हम ध्यान करते हैं और देखते हैं। तो मैं ध्यान में नहीं थी फिर भी मैंने इनके कहने से हम तीनों ने साथ में ध्यान किया। तो हमने तीनों ने जब ध्यान किया तो ध्यान में मुझे ऐसा बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, बहुत ही अच्छा एक शांति सी महसूस हुई कि इतना आनंद मिलता है ध्यान में। मुझे पहले मैं इस बारे में कभी नहीं जानती थी क्यों, मैं सेवा भाव से तो जुड़ी थी पर ध्यान से मैं कभी नहीं जुड़ी थी। तो मैंने इनके साथ जब ध्यान करना शुरू हुआ तो कभी ध्यान नहीं लग पाता था तो भी मैं बेचैन हो पाती थी कि आज ध्यान नहीं लगा, फिर मैं और दोबारा ध्यान करती थी और उसका आनंद महसूस करती थी। और फिर मेरे 20 साल से डिप्रेशन था, ध्यान के आने के बाद जो मैं ध्यान के आने के बाद पत्री सर मेरे को ध्यान में दिखाई दिए, साथ में एक वे मास्टर को भी लेकर आए और उन्होंने कहा कि इनकी एस्ट्रल सर्जरी करो। तो वो ध्यान में जो मास्टर थे उन्होंने मेरे माइंड के ऊपर कुछ किया जो मेरे मतलब मैं जब ध्यान से उठी तो मैं इसका मेरा जो डिप्रेशन था वो बिल्कुल क्लीन हो गया और जो मैं 20 साल से जो टेबलेट ले रही थी वो मेरी टेबलेट भी बंद हो गई और मेरे को अब अच्छी तरह से इतनी सुंदर नींद आती है, इतना मतलब मुझे शांति महसूस होती है, इतना आनंद महसूस होता है। तो मेरे पति, मैं और गोविंद हम तीनों साथ में ध्यान करते हैं, सब वहाँ हरियाणा में रहते हैं। फिर बाद में एकदम से इंट्यूशन आया कि हम कौशनी वैली आएँ, तो हम कौशनी वैली आए। कौशनी वैली में हमें 7 मंथ हमने वहाँ सेवा की और वहाँ खूब अच्छे आनंद शांति प्रेम से हम तीनों साथ में रहे। फिर वहाँ फर्स्ट शाम को इवनिंग हमें फिर इंट्यूशन आया कि आप करता लाइए, पत्री जी का इंट्यूशन आया, मुझे ध्यान में दिखाई दिए, इनको भी इंट्यूशन आया, पति को भी। तो हम वहाँ से इवनिंग आया, सुबह ही हम अर्ली मॉर्निंग वहाँ से करताल के लिए आ गए। अब करताल में रह रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं और पत्री जी से मिले तो इतना अच्छा लगता, इतना आनंद मिला इस ध्यान से, पत्री जी से इतना लगाव हो गया और पत्री जी से ऐसे ऐसे हमें दिखाई देते मेरे को हरियाणा में, फिजिकल ऐसे लगता कि मेरे साथ बैठे हुए हैं। कई बार तो मैं कलीन बर्तन करती तो ऐसा महसूस होता था कि दो आँखें मेरे को देख रही हैं। ऐसी ऐसी एक्सपीरियंस मैंने ध्यान में दिखाई दिए कि एक बार इनको बीमारी होनी थी, मेरे पति को बुखार होनी थी, तो सब एकदम प्रैक्टिकल रात को ऐसा दिखाई दिया कि ये कोई टेबलेट दे रही है दीप्ति माँ मेरे को कि इनके सुबह तबीयत खराब होगी, तो मैं वो जागती हुई अवस्था में तो मैं इनको आकर बताया कि आपको भी तबीयत खराब है कि नहीं, तबीयत खराब नहीं है। तो मैंने कहा मेरे को दीप्ति माँ ने 2 टेबलेट दी है, तो फिर 2 टेबलेट तो अगले दिन ही इनके वो इतने जोर का फिजिकल बॉडी पर इतना जोर का हुआ कि इन्होंने हॉस्पिटल में अटेंड किया और इनको ऑक्सीजन की भी लगा 4 दिन के बाद। 4 दिन के बाद तुरंत ऐसी आवाज़ आई, मैं वास्पेश में आती हूँ, एकदम से आवाज़ आई कि आज इनके नॉर्मल हो जाएगा।
तो एकदम से फिर मैंने इनको बताया कि आज तुम बिल्कुल नॉर्मल ठीक हो जाओगे। तो एकदम से उस दिन के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गए। तो ध्यान में आने के बाद ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस फिजिकल इन आँखों के सामने भी और ध्यान में भी हमें दिखाई दिए, और पत्नी जी के सानिध्य में बड़ी शांति महसूस हुई, डिप्रेशन क्लीन हुआ और बड़ा अच्छा लगता है। आज भी हम पत्नी जी के यहाँ करताल में सेवा कर रहे हैं तो बड़े आनंद की अनुभूति तीनों कर रहे हैं और उनके इंटरेंशन से हम यहाँ रह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल बच्चों को भी ध्यान करना चाहिए। जैसे मैं अपने गोविंद जो बच्चा है मेरा, वो ध्यान बड़ा लड़का हो गया, वो भी ध्यान कर रहा है, तो उसको मैं इसके जीवन में इतना देख रही हूँ बदलाव कि वो बिल्कुल शांति प्रिय, आनंद प्रिय, बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल भी उसमें इतना ट्रांसलेट हुआ है। तो इसे ध्यान करने से बच्चे में पढ़ाई के अंदर भी, मन शांति में भी, और जो आपसे भी मन मुटाव होते हैं उनमें भी रिलैक्स अनुभव होते हैं और शांति का अनुभव। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बच्चे ध्यान करें, क्यों मैंने ये खुद अनुभव किया है मेरे बच्चे के द्वारा भी, क्यों हम ध्यान करते थे साथ में, बच्चा भी ध्यान करता था, तो मैं बड़ा एक बहुत ही बड़ा बदलाव महसूस कर रही हूँ मैं अपने गोविंद के अंदर। तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चे ध्यान जरूर करें, ध्यान से शांति, आनंद, पढ़ाई लिखाई में सब में ही प्रोग्रेस होती है, हर क्षेत्र के अंदर प्रोग्रेस की तरफ बच्चा आगे बढ़ता है। धन्यवाद। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जी।